हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है केंद्रक के ऊपर, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बात करने वाली क्या है। मैंने इससे पहले आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी। होपफुली आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छे से पढ़ ली होगी और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने उसको आगे नोट्स भी बना लिए होंगे आप लोगों ने उसके। चलिए, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक के बारे में यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसको खोजा किसने, इसकी डिस्कवरी किसने करी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर ट्रेडिस्केशिया के अंदर इसकी डिस्कवरी करी थी, और स्लीडन ने 1938 के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस के बारे में बताया था, यानी कि केंद्रिका के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? केंद्रिका के बारे में। चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि जो केंद्रक है ये है कहाँ पे, मतलब इसकी लोकेशन कैसी है। या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं और काम क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल्स के अंदर, चलो मान लो कि ये एक प्लांट सेल है, एनिमल सेल्स बाद में बनाते हैं, ये है एक प्लांट सेल, ठीक है, ओके, और ये है एक एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन, एक और लेयर होती है जिसको हमने क्या नाम दिया, सेल वॉल, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ होगी ये क्या है आपकी, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर यहाँ पे जो आउटर में होगा, बिल्कुल आउटर आउटर में होगा, यही क्या होगी आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पे जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका, ओके, और रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। तो यहां पे ये वाली जो है ये क्या हो गया हमारा, केंद्रक, ठीक है। और यहां पे एक स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, ठीक है, इसको हमने बोला क्या, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, ओके। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा सा, बताओ। अब मेरी बात समझो, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन नहीं करती हैं, यानी कि जिस तरह से हम लोग यूरिनेट करते हैं ऐसे प्लांट्स नहीं करते हैं। और प्लांट को हमेशा इस चीज का रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि उनको पानी ना मिले, या कहीं ऐसा ना हो कि उनको वाटर की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से उनके पास होना। तो इसी वजह से प्लांट्स के अंदर एक नेचुरल सी चीज बनती है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। और वैक्यूल एक बेसिक गुण है अगर हम लोग बात करें प्लांट्स का, जहां पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर रिक्तिका बनती है, यानी कि प्लांट के अंदर वैक्यूल बनती है। इसी की वजह से जो प्लांट्स के अंदर केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है, सॉरी, और जो न्यूक्लियस होता है वो हल्का सा शिफ्टेड होता है, ठीक है, हल्का सा इस तरफ क्या होगा, वो शिफ्ट होगा। और जो वैक्यूल होगी, सॉरी, जो ये रिक्तिका होगी वो एक बहुत बड़ी होगी, ठीक है। इसी की वजह से जो आपका केंद्रक है वो हल्का सा शिफ्टेड होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है। और इसके अगल बगल में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जिसको हम ईआर बोलते हैं। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, एसईआर, और एक तरफ क्या हो जाएगा, आरईआर,
ठीक है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको हमने क्या बोला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। यस क्लास, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो भाई सबसे बड़ी बात, केंद्रक जो है वो क्या सब में है, क्या किसी में नहीं भी हो सकता है, सब में होता है। अब मेरी बात समझिए, केंद्रक जो होता है, केंद्रक के बेसिस के ऊपर ही हमने जीवों को भी दो भागों में बांटा हुआ है। कैसे बांटा हुआ है हमने जीवों को दो भागे में, एक तो होते हैं आपके यूकैरियोट्स और एक होते हैं आपके प्रोकैरियोट। ठीक है, यू, यू का मतलब होता है न्यू, ओके, और या फिर अगर मैं बात करूं तो कैसा है, डेवलप। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे न्यू यानी कि अगर हम लोग बात करें एक नया, और इधर जो अगर हम बात करें कैरियोटिक यानी कि ये क्या होता है, कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। और प्रो, प्रो से मतलब आता है यहाँ पे प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हो गया पुराना, एंड कैरियन का मतलब अगेन क्या हो गया कि वो क्या है, न्यूक्लियस है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक यानी कि जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक वेल डिफाइंड वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जिन जीवों के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें वहां पे अगर क्या नहीं प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, प्रिमिटिव यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल आपको जब जनरल इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको बताया भी था। तो अगर मैं ये बात करूं आपकी मेरी, तो हम सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया वगैरह की तो ये सब कैसे हुए, ये सब प्रोकैरियोटिक हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अगर हम लोग और आगे के बारे में डिस्कशन करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई क्या सारी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, क्या सारी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है या किसी में एब्सेंट भी होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर सबसे पहले आती है आरबीसी, ठीक है, दूसरी आती है सी सेल्स। ठीक है, आरबीसी यानी कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और दूसरी हो गई यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, अगर मैं इनको हिंदी में बोलूं तो लाल रक्त कणिका, और सी सेल्स यानी कि चालनी कोशिकाएं। ठीक है, इन दो कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं होता है, नहीं, नहीं को बड़ा बड़ा याद करके चलना। ठीक है, इन दो कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आरबीसीज का काम क्या होता है, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम क्या हो गया, जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहां पे ऑक्सीजन को दे देना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। तो वहां पे क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। ऐसे ही चालनी कोशिकाएं कहाँ प्रेजेंट होती है यानी कि सीव सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं फ्लोएम में। कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये, फ्लोएम में, और फ्लोएम में इनका काम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो यहां पे क्या होता है,
एब्सेंट होती हैं, ठीक है। मतलब जितना भी केंद्रक वगैरह, जो केंद्रक जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये केंद्रक इन दो कोशिकाओं के अंदर एब्सेंट होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अच्छा अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर केंद्रक को हम लोग केंद्रक नहीं बोलते, या न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड नहीं बोलते, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, केंद्रकाभ बोल रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, पक्का, आगे चलते हैं। चलिए, आज मैं आप लोगों को एक जनरल सा इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ केंद्रक के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अपने कल के वीडियो में से। चलिए अब हम आगे और बात करते हैं। केंद्रक जो होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ऐसी है, क्या चीज, ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन ये माना जाता है। केंद्रक के अंदर मान लो कोई भी एक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका का क्या हो गया, केंद्रक हो गया, है ना, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, जिनकी संरचना कुछ कुछ इसके जैसे होती है, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन, क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, तो जो ये जीन होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैसे है, द जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरी एनी इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए का वह सबसे छोटे से छोटा भाग जिसके अंदर कोई भी एक लक्षण होता है, कोई भी एक करेक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। सो जो ये जीन है इसका काम क्या है, इसका काम है एक प्रोजेनी से, यानी कि एक संतति से दूसरी संतति में ट्रांसफर करने का, यानी कि एक संतति से दूसरी संतति के अंदर जो भी लक्षण जाएंगे, यानी कि जो भी करेक्टर जाएंगे, वो इस जीन के थ्रू ही जाते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर समझिएगा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आगे और केंद्रक क्या करता है, केंद्रक का काम एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नियंत्रण, यानी कि रेगुलेशन। समझिएगा कि कोशिका कब डिवाइड करेगी, कोशिका कब डिवाइड नहीं करेगी। अगर किसी कोशिका को किसी भी प्रोटीन की जरूरत है, तो कब तो रेप्लिकेशन होगा, कब ट्रांसक्रिप्शन होगा, और कब ट्रांसलेशन होगा, भूल तो नहीं गए ना, आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पक्का भूले तो नहीं हो ना। फिर से सुन लो, रेप्लिकेशन क्या होता है, पता है कानों में आवाजें गूंजनी चाहिए मेरे कि हाँ तुम लोग ये वीडियो देखते देखते बोल रहे हो। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, यस, डीएनए से आरएनए, ओके ओके। और ट्रांसलेशन क्या हुआ, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो इनका जो रेगुलेशन है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का हो रहा है, ट्रांसलेशन का हो रहा है, और रेप्लिकेशन का हो रहा है। इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, वो है आपके डीएनए के हाथ में है, यानी कि सेल कब डिवाइड कर रही है, ठीक है, सेल कब प्रोटीन बना रही है, सेल कब डीएनए बना रही है, सेल कब एमआरएनए सेल को चाहिए,
तो ये सारी चीजें जो हैं किसके कंट्रोल में होती हैं, डीएनए के प्रोटीन में, सॉरी डीएनए के कंट्रोल में होती हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, साइंस की वो ब्रांच जहां पे हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी बोलते हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, साइंस की वो ब्रांच जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी बोलते हैं। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई, वेरी नाइस। तो अब अगर हम लोग बात करें, मैंने आप लोगों को एक इन ब्रीफ दे दिया कि डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, केंद्रक क्यों इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हाँ जी बच्चों। तो अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ यहाँ पे, कि जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, यूजुअली अगर हम लोग बात करें, एक कोशिका के पास एक केंद्रक होता है, ठीक है, एक कोशिका एक केंद्रक, लेकिन कुछ कोशिकाएं जो होती हैं जिनके पास बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, और ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। जो भी मैंने आज आपको बताया है वो एक ओवरऑल ब्रीफ था, होपफुली वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा होगा वो ब्रीफ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना कि केंद्रक जो है, केंद्रक एक तरह से इसको हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके लिए जो टर्म बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का दिमाग। क्लियर है ये चीज, पक्का? चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से यहाँ पे लिक्विड या न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे किस तरह से होता है, और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में हम अपने कल के वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।